मोनिका चौधरी एक भारतीय अभिनेत्री है जिन्हें बॉलीवुड फिल्म तू चूठी में मक्कार में किची की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। मोनिका चौधरी का जन्म बुधवार 6 सितंबर 1995 को नई दिल्ली में हुआ था। उसकी राशि कन्या है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि वह शादी के 17 साल बाद अपने माता पिता के घर पैदा हुई थी, इसलिए उनके माता पिता उनके लिए पॉटेक्स थे। जब वह स्कूल में थी तो वह जूडो, कला और नृत्य कक्षा सहित अन्य पाठ्यक्रम गतिविधियों में भाग लेती थी। जब वह 12वीं कक्षा में थी तब उन्होंने प्रेस प्रतियोगिता में भाग लिया लेकिन जीत नहीं पाई। प्रतियोगिता के जजों ने उनसे कहा कि उन्हें एंकरिंग या रेडियो जॉकी बनने का प्रयास करना चाहिए। स्कूल खत्म करने के बाद वह एक वेडिंग प्लानर, इंटीरियर डिजाइनर, आरजे और एंकर बनने चाहती थी, लेकिन आखिरकार वह एक अभिनेत्री बन गई। मोनिका के पिता एक पुलिस अधिकारी है और उनकी माँ गृहिणी है। अभिनेत्री बनने से पहले वो एक थिएटर कलाकार थी। वो अस्मिता थिएटर ग्रुप में शामिल हो गई और अभिनेता बनने के लिए मुंबई जाने से पहले 4 साल तक श्री अरविंद कोड के अधीन अभियान का अध्ययन किया। उन्होंने एक सरकारी स्कूल में थिएटर पढ़ाकर और वर्कशॉप आयोजित करके पैसा कमाना शुरू किया। 2018 में उन्हें मदर्स डे के सनफिस्ट विज्ञापन में दिखाया गया था। उन्हें टाइम एंटरटेनमेंट की म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर गाना के एक विज्ञापन में दिखाया गया था। उन्होंने 2021 में फिल्म राधे से डेब्यू किया था। 2023 में वह फिल्म तू चूठी में मक्कार में दिखाई दी और किची की भूमिका निभाई। उन्होंने 2018 में टीवी शुक्ला अपहरण से अपनी शुरुआत की और अनुष्का तैयागी की भूमिका निभाई। वह डार्क साथ, व्हाइट, रुद्राकार, गुड बेर गर्ल और सर्ट सिटी सहित अन्य टीवी शुक्लाओं में दिखाई दी है। उन्होंने इंटीरियर डिजाइनिंग और स्केचिंग पसंद है। उन्होंने अपने पेट पर कर्म शब्द गुदवाया है। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुलासा किया था कि जब वह थिएटर में प्रैक्टिस करने जाती थी तो उनके पिता ने उन्हें पॉकेट मनी ना देकर उन्हें जाने से रोक दिया था। उनके परिवार ने उनका ज़्यादा साथ नहीं दिया क्योंकि वे रुठियावाड़ी सोच रखते थे। जब वह मुंबई शिफ्ट हुई तो काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा, जिसमें खाना खरीदने के लिए पैसे ना होना भी शामिल था। थिएटर के उसके दोस्तों ने उसे खाना खरीदने के लिए पैसे दिए। वह एक दिन में 4 से 5 ऑडिशन देती थी लेकिन हर बार उन्हें रिजेक्शन मिलता था। कुछ समय तक मुंबई में रहने के बाद उन्हें मॉडलिंग और वेब शो के ऑफर मिले, जिसमें उनके माता पिता को गर्व हुआ और उन्हें उनका समर्थन करना शुरू कर दिया। 2018 में उन्हें कास्टिंग डायरेक्टर विक्की सिदाना का फोन आया, जिन्हें ओल्ड बालाजी सीरीज अपहरण में उनका प्रदर्शन पसंद आया। उसने उससे कहा कि वह उसके साथ एक फिल्म में काम करना चाहते हैं। उसने उससे कहा कि वह उसके साथ काम करने के लिए तैयार थी लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण उसे कोई अवसर नहीं मिला। लॉकडाउन के दौरान उन्हें एक भूमिका के लिए ऑडिशन देने के लिए कहा गया, इसलिए उन्होंने सेल्फ टेस्ट किया और 4 से 5 राउंड ऑडिशन दिया। उसने उससे कहा कि वह इस अवसर के लिए तैयार है लेकिन कोविड-19 के कारण उसे उसका फ़ोन नहीं आया। कोविड-19 महामारी के बीच उन्होंने फिर से उनका फ़ोन आया और उन्होंने उनसे एक भूमिका के लिए ऑडिशन देने के लिए कहा। उन्होंने सेल्फ टेस्ट किया और फिर 4 से 5 राउंड ऑडिशन दिए। बाद में वह लव रंजन से मिली और स्क्रीन टेस्ट दिया, जिसके बाद उन्होंने एक भूमिका के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया। एक इंटरव्यू में उन्होंने आउटलर साइट होने की दिक्कतों के बारे में बात की और कहा, जब आप एक बाहरी व्यक्ति होते हो तो आधी लड़ाई सिर्फ दुनिया को यह साबित करने की होती है कि आप इसके लायक हैं और आप में प्रतिभा है। आमतौर पर कोई भी किसी नवा युक्तु के साथ जोखिम लेने का जोखिम नहीं उठाना चाहता है। मैं बेहद आभारी हूँ कि लव सार ने वह मौका लिया है। 2022 में उन्होंने टीवी शुक्ला सल्ट सिटी के लिए इवा बाजीपी की भूमिका निभाने के लिए 20 किलो वजन बढ़ाया। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि उन्हें छिपकलिया से बहुत डर लगता है। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुलासा किया कि अपहरण की शूटिंग के दौरान वह गंगा नदी में डूब गई लेकिन लापरवाही ने उन्हें बचा लिया।